अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गोइंग वेल. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज़ यूजुअल, आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वर्क. लास्ट वीडियो में हमने ये वेबसाइट का एक फोल्डर जो है वो क्रिएट किया था अपनी डेस्कटॉप पे. इस वेबसाइट के फोल्डर में हमारी वेबसाइट से रिलेटेड सारा डाटा हमने जो है वो रख लिया था. इसको मैं सबसे पहले ओपन करती हूँ. ये देखिए गाइस, इमेजेस का फोल्डर जो स्लाइडर क्रिएट किया था और फिर जो हम लोगों ने लिंक्स लगा के 5 ऑब्जेक्ट्स के पेज क्रिएट किए थे, वो बेसिकली मैंने सारे इस फोल्डर में ही रख लिए थे. ठीक है, अब जो है आज हम इंडेक्स नाम की जो फाइल, उसको मैं नोटपैड पे और ब्राउज़र गूगल क्रोम दोनों पे ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि अभी तक हमने क्या जो है वो डन किया है. ठीक है, ये है हमारे पास index.html की फाइल और ये है हमारे पास उसका व्यू यानी कि रिज़ल्ट. ठीक है, हम लोगों ने बैनर डन कर लिया था, इनको लिंक्स लगा के पेज क्रिएट कर लिए थे, न्यूज़ पे हमने काम कर लिया था, स्लाइडर क्रिएट कर लिया था. आज जो है वो बेसिकली 1, 2, 3, 4, ये है टेबल नंबर 5. ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 कॉलम है यानी कि 3 TD हैं हमारे पास. इस कंटेंट एरिया में बेसिकली आज हमें काम करना है. ये जो हमारे पास फर्स्ट TD है, सबसे पहले हम इसकी विड्थ को कर देंगे कम. ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दूसरी वेबसाइट के लिंक्स लगाने हैं कि कोई यूज़र जो मेरी वेबसाइट पे मौजूद है, अगर उसे फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी और वेबसाइट पे जाना पड़े तो वो डायरेक्ट जो है वो मेरी वेबसाइट से इस लिंक पे क्रिएट करके, लिंक पे क्लिक करके जंप कर सके उस वेबसाइट पे. तो वो किस तरह से होगा आज सारा काम? सपोज मैंने 4 काइंड्स ऑफ वेबसाइट्स के लिंक्स यहाँ देने हैं. ठीक है, यानी कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया. फर्स्ट कैटेगरी में मेरी सोशल वेबसाइट्स आ जाएंगी, सेकेंड कैटेगरी में मेरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वेबसाइट्स आ जाएंगी, ऐसी वेबसाइट जिनसे हम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, देन एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट्स लगाऊंगी और लास्ट वन इज़ इंटरटेनमेंट से रिलेटेड वेबसाइट्स लगानी है. ठीक है, और अब वो किस तरह से काम होगा उसके लिए हमें जाना पड़ेगा नोट पैड पे. हमारे पास ये वाला टेबल नंबर 5 है और इसमें 3 कंटेंट्स राइट किए हुए हैं. ठीक है, ये फर्स्ट वाले कंटेंट में हमने काम करना है. चलते हैं नोट पैड की तरफ और ढूंढते हैं टेबल नंबर 5. जी गाइस, ये है हमारे पास टेबल नंबर 5. इसको मैं ज़रा सेपरेट कर लेती हूँ, ऊपर से भी और नीचे से भी. ठीक है, ये है हमारे पास टेबल नंबर 5, जिसमें हमारे पास 1 कंटेंट, 2 एंड ये 3 है. सबसे पहले मैं इसको कर लूँगी नंबरिंग ताकि हमें पता चल जाए कि हम किस कंटेंट में काम कर रहे हैं. 1, 2, 3. अब इसको कर लेते हैं सेव एंड चलते हैं ब्राउज़र पे. ब्राउज़र पे जाके आपने इसको रिफ़्रेश करना है. रिफ़्रेश करने के बाद जो है वो आपको रिज़ल्ट कुछ इस तरह से शो होगा कि ये हमारे पास है कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3. ठीक है, बेसिकली आज हमने इस पे काम करना है. सबसे पहले इसकी विड्थ को हम कंट्रोल करेंगे फर्स्ट वाले कंटेंट की. ठीक है, अब चलते हैं नोट पैड की तरफ. ये है हमारे पास फर्स्ट कंटेंट, इसकी TD में जाके सबसे पहले इसकी विड्थ कर देंगे हम 150. इसको करेंगे सेव, देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट है. क्या हमारे फर्स्ट TD की जो विड्थ है वो 150 हुई है कि नहीं? जी गाइस, ये देखें, फर्स्ट TD कंटेंट 1, इसकी विड्थ मैंने कर दी 150. तो आपको नज़र आ रही है कि ये 150 विड्थ हमारे पास आ गई है. ठीक है, अब हमारे पास जो है फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास सोशल वेबसाइट्स के लिंक्स डालना, देन इंटरटेनमेंट, देन इंफॉर्मेशन एंड देन एजुकेशन. हम एक
कैटेगरी को पहले अच्छे से तैयार कर लेंगे, उसके बाद उसी की कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास कंटेंट वन। ठीक है, अब हमने टेबल टैग सीखा था, लेकिन टेबल के अंदर टेबल किस तरह से लगाएंगे आज हम वो सीखेंगे, क्योंकि बेसिकली ये हमारे पास एक टेबल है, एक टीडी। ठीक है, ये पूरा एक टेबल है, इसमें ये फर्स्ट टीडी है। अब इस टीडी के अंदर जब हमने नेक्स्ट काम करना है, तो इट्स मीन हमें दोबारा से टेबल टैग जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो वो किस तरह से अब काम होगा हमारे पास, हमने इस टीडी के अंदर रह के, ठीक है, अब इसको हम कर देंगे रिमूव, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए अब टेबल। इस टीडी के अंदर रहते हुए हमें एक और टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, ये जो फर्स्ट कंटेंट था इसको मैंने रिमूव कर दिया, अब इसके अंदर जो है वो हम एक टेबल जो बनाएंगे दोबारा से। चलें स्टार्ट करते हैं जी गाइस। टेबल टैग स्टार्ट किया मैंने, इसी की कॉपी करूँगी मैं ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेती हूँ ताकि हमारे पास जो है वो स्पेस आ जाए। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं करती हूँ पेस्ट, इस पे लिखूँगी टी आर। ठीक है, टेबल टैग स्टार्ट, देन टी आर टैग स्टार्ट, देन यहाँ पे हमारे पास जो है वो टी डी स्टार्ट, एंड यहाँ पे हमारे पास जो है वो टी डी क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, टेबल टैग मैंने आपको पहले सिखाया है, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो सारी अटेंड की हैं, ठीक है, सीक्वेंस के साथ उनको समझ आ जाएगी कि मैं क्या काम कर रही हूँ। और जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम मेरी वेबसाइट पे आए हैं, मेरे चैनल पे आए हैं सॉरी, वो सबसे पहले जो है वो पिछली सारी वीडियोज़ को अटेंड करें ताकि आपको आज की वीडियो की समझ आ सके। टेबल टैग स्टार्ट किया, टी आर टैग स्टार्ट किया, टी डी टैग स्टार्ट किया, टी डी टैग क्लोज भी कर दिया, टी आर टैग भी क्लोज कर दिया, एंड देन हमारे पास जो है वो टेबल टैग भी हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये जो टेबल अभी हमने बनाया है इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर लूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बेसिकली ये है हमारे पास टेबल फाइव, और इस टेबल के अंदर हमने एक और टेबल क्रिएट की है। ठीक है, अब इस टी डी में जाके हमने अपनी वेबसाइट्स जो हैं वो उनके लिंक्स क्रिएट कर लेने हैं। सबसे पहली मेन कैटेगरी थी हमारे पास सोशल वेबसाइट्स, यानी कि सोशल वेबसाइट्स के लिंक्स यहाँ पे देने हैं। तो एक जो मेन हेडिंग है, सबसे पहले हम लिखेंगे सोशल वेबसाइट्स। सोशल वेबसाइट्स लिख लिया, इसको करते हैं सेव, देखते हैं अभी फ़िलहाल हमारे पास क्या काम डन हुआ है। ये देखें गाइस, सिंपल जो अभी मैंने सोशल वेबसाइट्स लिखा, सिर्फ वो जो है वो लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास। अब इसको मज़ीद किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, मैंने टेबल टैग आपको पूरा सिखाया हुआ है कि उसमें हम बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर कलर लगा सकते हैं, बीजी कलर लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे पहले बॉर्डर लगाएंगे। वन बाय वन मैं आपको ये बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास बॉर्डर लग गया। अब बॉर्डर का अगर आप कलर भी रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बॉर्डर कलर भी लगा लेंगे इसको। बॉर्डर कलर कर दिया मैंने रेड, इसको भी कर लेंगे हम सेव, और देखते हैं कि अब हमारे पास क्या रिव्यू आ रहा है। जी गाइस, सोशल वेबसाइट्स लिखा था, बॉर्डर जो है वो रेड कलर में लिखना था, लेकिन आया नहीं हमारे पास बी ओ आर डी ई आर। ओके, इधर कलर सी जो है वो हमसे स्किप हो गया। ठीक है, अब मैंने सी राइट कर दिया, अब जाके देखते हैं कि क्या व्यू आ रहा है।
ये देखें गाइस, उसने बॉर्डर को कलर को कर दिया रेड, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो जितना सोशल वेबसाइट्स आ रहा है बेसिकली ये पूरी विड्थ में आ जाए, ठीक है, जितनी हमने ये विड्थ रखी थी इसके इक्वल आ जाए। तो वो किस तरह से करेंगे, हमने इस टीडी की जो विड्थ रखी थी वो बेसिकली 150 थी, तो इसकी जाके हम जो है वो कर देंगे 149 विड्थ, क्योंकि 1 पिक्सल जो है वो हमारे पास बॉर्डर ले लेगा, ठीक है। तो 149 इसको कर देंगे, इसको करेंगे सेव, देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। अब ये देखें गाइस, बिल्कुल जो है वो फिट हो गया, ठीक है। अब चूंकि मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर में ना आए बल्कि यहाँ पे ये जो सोशल वेबसाइट्स है ये यहाँ टॉप पे चला जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसके टीआर में हमें जाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। चलें पहले टेक्स्ट को जो है वो सेंटर में ले आते हैं। अलाइन इज इक्वल टू CENTER एंड इन्वर्टेड कॉमास में बंद, इसको करेंगे हम सेव एंड देन रिफ्रेश करेंगे। तो आपने देखा कि हमारा जो सोशल वेबसाइट्स था वो आ गया सेंटर में। अब मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा जो है वो बोल्ड हो जाए, तो बोल्ड टैग मैंने आपको सिखाया हुआ है, इसके स्टार्ट पे आएंगे, बी लिखेंगे एंड, ठीक है, इसी की कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जो टैग ओपन किया जाता है वो टैग क्लोज भी किया जाता है। तो यहाँ पे आके इसको क्लोज करेंगे, यहाँ लगाएंगे स्लैश और अब इसको करके सेव, देखते हैं कि क्या है अब रिज़ल्ट हमारे पास। गाइज, मैं वन बाय वन जो है वो एक एक स्टेप इसलिए आपको कर कर बता रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये देखें गाइज, ये हमारे पास आ गया बोल्ड में, ठीक है, सेंटर में भी आ गया, बोल्ड भी हो गया, बॉर्डर भी लग गया। अब एक काम हमारे पास रह गया कि अगर इसको हम बीजी कलर देना चाहें, यानी कि इसके बैकग्राउंड पे कुछ कलर मेंशन करना चाहें, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, इसके टेबल में ही जाके हम बीजी कलर कर देते हैं, बीजी कलर COLO कलर इज इक्वल टू, सपोज मुझे येलो, चले पिंक कर लेते हैं, या फिर स्काई ब्लू भी कर सकते हैं, बीजी कलर कर दिया मैंने स्काई ब्लू, सेव करते हैं इसको और चलते हैं गूगल पे। ये देखें गाइस, बीजी कलर क्या हो गया, स्काई ब्लू हो गया, ठीक है, बॉर्डर भी लग गया, बीजी कलर भी लग गया, लाइन सेंटर यानी कि टेक्स्ट सेंटर में भी आ गया, हमारी विड्थ भी कंप्लीट हो गई, बोल्ड भी हो गया। अब जो एक काम है कि मैं इस सोशल वेबसाइट्स को बेसिकली जो है वो इधर टॉप पे लेकर आना चाहती हूँ, तो वो किस तरह से लेकर आऊँगी, ये जो हमने TR स्टार्ट किया है टेबल के बाद, ठीक है, टेबल के बाद जो TR स्टार्ट किया है, यहाँ आपने V, एक मिनट ठहरे, टेबल को ही जाके कर लेते हैं V अलाइन, इस इक्वल टू V फॉर वर्टिकल, V फॉर वर्टिकल, ये देखें V फॉर वर्टिकल एंड देन अलाइन साथ राइट कर लिया, इसको आप टॉप बॉटम या मिडल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी मिडल में आ रहा है, मुझे टॉप पे लेकर जाना है, तो मैंने इसको लिख दिया टॉप, V वर्टिकल अलाइन इज इक्वल टू टॉप, ओके, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इट्स मीन कि हमने इसको यहाँ राइट गलत कर दिया, इसको यहाँ से हम करेंगे कट, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके TR में आके इसको कर देंगे हम पेस्ट, फाइल को करते हैं सेव एंड देन ब्राउज़र पे जाके क्लिक करते हैं, V align is equal to top,
एक्चुअली गाइस इस टीआर में हमने इसको पेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो टेबल 5 जहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, हमने इसके टीआर में जाके जो है वो इसको पेस्ट करना है।